झारखंड के नंबर वन यूट्यूब चैनल आज़ाद सिपाही में आपका स्वागत है। मैं हूं दयानंद राय और आज हमारे साथ हैं झामुमो प्रवक्ता डॉक्टर तनुज खत्री जी। डॉक्टर तनुज खत्री जी लंबे समय से पार्टी के लिए कार्य कर रहे हैं और उन्होंने बतौर प्रवक्ता अपनी काबिलियत का परिचय दिया है। तो आज हम चर्चा करेंगे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी की बढ़ती लोकप्रियता पर। तो तनुज जी, आपसे ये जानना चाहेंगे, अभी फेम इंडिया का सर्वे आया जी, उसमें लोकप्रियता के जो पायदान, लोकप्रियता का जो पायदान है उसमें हेमंत जी 12वें स्थान पे हैं, 10वें स्थान पे उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक जी के हैं। और ये बहुत बड़ी बात है कि बड़े बड़े दिग्गजों को पीछे छोड़कर उन्होंने अपना यह मुकाम बनाया है। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आखिर हेमंत सोरेन जी की लोकप्रियता का राज क्या है। देखिए, इस बात को हमें ऐसे समझना होगा कि झारखंड में ये दोबारा हुआ जी, और पहली बार भी जब हुआ था तो वो व्यक्ति हेमंत सोरेन जी ही थे जो सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री बने थे जी। और पुनः जो 2019 में झारखंड की जो जनता ने उन्हें चुनने का काम किया। आमतौर पर ये देखा जाता रहा है कि भारत में कोई भी नेता वो उसको किसी न किसी रूप से किसी न किसी एक सेगमेंट में रोक के रख दिया जाता है, या यूं कहें कि एक विशेष वर्ग के का नेता कहा जाता है। लेकिन झारखंड ने इस विषय को हमेशा के लिए इस पर पूर्ण विराम लगा दिया कि हेमंत सोरेन जी समाज के हर उस वर्ग के आवाज बन करके सामने आए। चाहे हम युवाओं की बात करेंगे तो युवा तो वो खुद हैं, चाहे हम छात्रों की बात करेंगे या हम महिलाओं की बात करें या हम बुजुर्गों की बात करें या समाज का हर वो तबका, चाहे वो कोई पत्रकार हो, कोई कर्मचारी हो, हर वो तबका, गरीब से गरीब जो अंतिम व्यक्ति है उसकी पसंद बन करके निकले। और अब आप ये आपका जो सवाल था कि जो ये जो अभी उनको 12वां स्थान मिला, फेम इंडिया के मैगजीन, तो निश्चित तौर पर उसके लिए सब सर्वप्रथम झारखंड की जनता बधाई की पात्र है। क्योंकि अगर झारखंड की जनता का ये प्यार अपने युवा मुख्यमंत्री को नहीं मिलता तो ये संभव नहीं होता है। और निश्चित तौर पर अगर कोई भी बड़ी संस्था, कोई भी बड़े जो संस्था के लोग होते हैं वो परत दर परत और ऑल थ्रू आउट, हाँ आप और हम तो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन दयानंद जी हमें ये जानना चाहिए कि हमारे हर उस कार्य को कोई ना कोई वॉच करता है। आप अच्छा कार्य करेंगे तो भी उसको वॉच करेगा। लोग आमतौर पर कहते हैं, कहा जाता है कि आपके हर कार्य को कोई देख रहा है तो हमें संभल के कार्य करना चाहिए। तो लोग इस वजह से भी कुछ अच्छा कार्य करते हैं, लेकिन सिर्फ बुरे कार्यों को लोग नहीं देखते हैं, अच्छे कार्यों को भी लोग देखते हैं। यही इसका परिचायक है कि आज मैं देश के तमाम वैसे बड़े हस्ती उनको भी अगर हेमंत जी ने नहीं पछाड़ा है, उस जो जूरी है, जो लोग हैं जो इस पर रिसर्च करते हैं, उन्होंने ये माना, तो ये बड़ी बात है। तनु जी, बात बहुत बड़ी है और बहुत छोटी है जी। हजारीबाग के एक का एक रिक्शा चालक भीख मांग कर अपना गुजारा कर रहा था। आमतौर पर सत्ता की नज़रों से समाज के अंतिम पायदान का व्यक्ति ओझल ही रहता है, लेकिन हेमंत सोरेन जी ने न सिर्फ उन्हें अपनी आवाज़ से बुलाकर रिक्शा दिया बल्कि ये भरोसा दिलाया कि समाज के गरीब से गरीब व्यक्ति के साथ वे खड़े हैं। ये बहुत बड़ी बात थी। आमतौर पर सत्ता की नज़रों से ये जो समाज का अंतिम व्यक्ति ओझल रहता है, तो
ये एक बहुत बड़ा बदलाव है और यह भी कहीं ना कहीं उनकी लोकप्रियता का कारण है, क्या लगता है आपको? देखिए दयानंद जी की मैं हम लोग अक्सर उनकी जो भी भाषण होते हैं उसको ऑब्जर्व करते हैं, सुनते हैं, जो भी वो चुनाव के समय में हो या जहां भी वो ब्रीफ कर रहे होते हैं, तो अक्सर आप देखेंगे कि उसमें प्रथम अगर कोई शब्द होता होगा तो वो गरीब होता हो। तो जो व्यक्ति जिसके मन में, यहाँ तो ये देखा जाता है कि लोग तो चर्चा तक नहीं करते हैं गरीबों की, आपके मन में अगर गरीब को मदद करने की उसके बारे में विषय अगर आप उसको समानते हैं तो ही ये काम होगा। अब वो उस दिन ये अखबारों में भी छपा, आपके यहाँ भी आया, वो खबर आई और तमाम सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला, लोगों को पता चला कि वो कई 45 मिनट तक, एक घंटे तक उनका इंतजार भी किया। 45 मिनट इंतजार, हाँ। तो ये नए झारखंड का आगाज हुआ है जहां मुख्यमंत्री, या मुख्यमंत्री नहीं कहूंगा मैं अभी उस वक्त, कि झारखंड की माटी का बेटा एक गरीब रिक्शे वाले के लिए खुद इंतजार कर सकता है। तो समझ सकते हैं कि उस उनकी विजन क्या होगी इस गरीब के प्रति। और चूंकि दयानंद जी, मैं आपसे फिर वो बात कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से, जिस विषम परिस्थिति में उनको राज्य मिला, खजाना खाली था और तरह तरह के जो जो चीजें थी, साजिशें थी, वो पूर्व की सरकार, चूंकि ये पॉलिटिकल ये नहीं है इसलिए वो मैं आरोप प्रत्यारोप नहीं करना चाहता हूं, लेकिन जो सच है वो करने का काम उन्होंने इनके प्रति किया था, उस सब का जवाब जनता ने दे दिया। कभी किसी नेता ने, हमारे नेता ने उसका जवाब देना ही नहीं समझा। आप आरोप लगा रहे, लगाइए, जनता ने जवाब दिया, इस राज्य की जनता ने जवाब दिया और उसका रिजल्ट आया। तो गरीब के प्रति, झारखंडी जनता के प्रति एक जो उनके अंदर जो सोच है, और जो निरंतर, जो जब राज्य सत्ता उन्होंने संभाली और सत्ता संभालते ही जो ये पूरे विश्व में महामारी का प्रकोप आ गया, आपने देखा होगा कि कभी भी उन्होंने इस पर किसी तरह की कोई राजनीति नहीं, जबकि दूसरे दल, ये बहुत दुख की बात है, मैं पार्टी की तरफ से इसको नहीं बोल रहा हूं, मैं एक युवा होने के नाते बोल रहा हूं, एक राजनीति को समझने वाला, राजनीतिक विज्ञान को समझने वाला, उसको समझते हुए उसकी, उस पर रिसर्च करने वाले व्यक्ति की तरह बोल रहा हूं कि इस महामारी ने भी किसी, बहुत लोगों ने राजनीति करने का काम किया, उसको अलग अलग रंग देने का काम किया। जब दूसरे देश या और हमारे सफाई कर्मी, डॉक्टर्स, बैंकर्स, तमाम मीडिया कर्मी ये जुगत में लगे हुए थे कि किस तरीके से राज्य बाकी राज्यों से, या हम रोक पाए इस बीमारी को, और हेमंत जी ने भी वही करने का काम किया, सबको एक रूप में। आज आप ये देखिए, आम बात नहीं है, एक सफाई कर्मी, एक स्वास्थ्य कर्मी, और जो दीदी किचन के माध्यम से, मुख्यमंत्री किचन के माध्यम से, आज अभी शुरुआती दिनों में तो वो सारी सुविधा प्रदान की, आज आपको जब प्रवासी मजदूर आ रहे हैं, हाईवे किचन के माध्यम से भी उनको खाना मिल रहा है। जब भी कोई महामारी आती है, डिजास्टर आता है, इस देश ने और इस विश्व में बहुत से डिजास्टर्स को देखा है, तो डिजास्टर्स में हम समझते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण होता है खुद को सुरक्षित रखना और भोजन, क्योंकि तो कोई भी व्यक्ति, अगर कोई भी कार्यकर्ता, यहां से भी मजदूर अगर कमाने गए हैं तो वो भोजन के लिए अपने परिवार के लिए गए हैं, और उसकी उपलब्धता माननीय हेमंत सोरेन जी उन्होंने उनको कराई, और कितनी तेजी से हमारा राज्य और जो रांची जो रेट था, उसकी भी चर्चा हो रही है कि कई राज्यों से ज्यादा जो रिकवरी रेट है वो हमारे राज्य में, तो ये संभव कैसे हो पाया? एक मुखिया ने सभी तमाम लोगों को, वो लगातार पत्रकारों से भी बात करते हैं, हर दिन सफाई कर्मी, स्वास्थ्य कर्मी, जो अधिकारी हैं, सब की ड्यूटी को बांटने का काम किया एक मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत जी ने, तो इसीलिए, इसी से ये संभव हो पाया कि आज हम लड़ पा रहे हैं इस महामारी से। आमतौर पर ये देखा जाता है कि गठबंधन सरकार को हैंडल करना बहुत आसान काम नहीं होता है, चुनौतीपूर्ण होता है, लेकिन चुनाव से पहले भी हेमंत जी ने
न सिर्फ महागठबंधन को लीड किया बल्कि जब से वो मुख्यमंत्री बने हैं उसके बाद से भी वो बहुत कुशलता से इसका संचालन कर रहे हैं और नौकरशाही के साथ समन्वय बिठाकर बेहतरीन तरीके से काम को अंजाम दे रहे हैं। खाली खजाने वाला राज्य मिला उनको, लेकिन इसके बावजूद जो संसाधन उपलब्ध थे उन्होंने झारखंड को एक दिशा देने का काम तो 5 महीनों में किया है, तो ये कैसे संभव पा रहा है? देखिए, वही मैंने कहा अभी कि जिस तरीके से हर एक वर्ग को, हर एक जो लोग, देखिए कोई भी काम होता है ना वो अकेले किसी एक व्यक्ति का नहीं होता है, लेकिन निश्चित रूप से उसको करवाने वाला, उस काम को प्रॉपर चैनल में वो काम हो उसको करवाने वाले की वो क्षमता होनी चाहिए, और वही क्षमता आज माननीय मुख्यमंत्री जी में है, माननीय हेमंत सोरेन जी में है, तभी ये संभव हो पाया। नहीं तो आपने जो सही सवाल कहा, आज राज्य में जो स्थिति है, खजाना जिस तरीके से खाली था, कभी भी इसका रोना नहीं, रोने का काम किया। यही दूसरे लोग होते तो वो सब कुछ छोड़ के बैठ जाते कि हमारे पास तो संसाधन ही नहीं है, लेकिन सीमित संसाधनों में, सीमित संसाधन में सभी लोगों को ले करके एक समन्वय बना करके, और जो गठबंधन के सहयोगी दलों की बात कर रहे हैं, आज झारखंड में वास्तव में कोई सरकार है ये लग रहा है लोगों वो चुनाव में भी, आप अगर आप देखते होंगे, चूंकि आप लगातार आपने आजाद सिपाही ने कवर करने का काम किया, आप खुद जाते थे, तो मैंने आप देखते होंगे कि कभी भी कोई 2-3 दल अलग नहीं दिखे। क्यों नहीं दिखे? ये देख के लगता था कि एक दल ही चुनाव लड़ रहा है, एक दल से। मेरा अभिप्राय ये है कि जो महागठबंधन के दल थे वो मिल करके लड़ रहे हैं, कोई उसमें कोई बाइफर्केशन नहीं था। कितनी कोशिशें हुई दूसरे लोगों के द्वारा कि इसको अलग अलग दर्शाने का काम करो, लेकिन नहीं, बखूबी, क्योंकि मुखिया, जब आपका प्रशासक जो होगा वो कुशल, नेतृत्व क्षमता उसमें होगी, तो मैं फिर उसी कुछ चीज को दोहराऊंगा कि सभी लोगों को एक माला में वो पिरो लेंगे। तनु जी, हम थोड़ा पीछे जाएं तो चुनाव के दौर को याद कीजिए। 2019 में जो चुनाव, उससे पहले जेएमएम 19 सीटें आई थी जेएमएम को जी, और 2019 के चुनाव में जब डबल इंजन की सरकार बम्पर चुनाव प्रचार कर रही थी, वैसे समय में सीमित संसाधनों में भी ये 19 का आंकड़ा 30 तक पहुंच गया, इसका राज क्या था? देखिए, आपने तो बहुत अच्छी बात छेड़ दी, क्योंकि हमने करीब से देखा है उस जंग को, और आप सभी ने देखा, इस राज्य की हर एक जनता ने देखा कि एक एक व्यक्ति पर कितना प्रेशर था जो सत्ता काबिज थी वो किस तरीके से दबाव की राजनीति करती थी, ये किसी से नहीं छुपा था। वो दबाव की राजनीति दल विशेष से नहीं, सभी समाज में सभी लोगों से करती थी। उससे हो सकता है कि ये बात आप ही के माध्यम से मैं कह देना चाहता हूं कि हो सकता है कि चौथा स्तंभ भी उससे अछूता नहीं रहा होगा उस सरकार में, उसको तक दबाने का काम किया। क्योंकि हम अपने पढ़ाई के काल में हमने भी एक आध विषय पढ़ा है मीडिया मैनेजमेंट का, तो उसको तक दबाने का काम किया। आपने देखा कोई बड़े बड़े पोस्टर नहीं लगाए गए थे कभी, क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा झारखंड की पार्टी है, हम उस पर ये वो विश्वास नहीं रखते थे कि बड़े बड़े एड्स आएंगे टीवी में तभी ये होगा। लेकिन लोग आज सोशल मीडिया के माध्यम से, खुद के माध्यम से लोग हेमंत सोरेन जी का प्रचार करते थे, कोई पेड एडवर्टाइजमेंट नहीं होता था, फ्री एडवर्टाइजमेंट अगर उसको कहें, अगर आप हम अगर इसकी बालचाल की भाषा में बात करेंगे तो वो होता था। क्यों होता था? क्योंकि एक जुड़ाव था लोगों का कि नहीं, यही हमारा झारखंड का बेटा है जो हमें निजात दिला सकता है वर्तमान जो शासन था उससे। तो इस तरीके से
और आप देखते होंगे कि आज सोशल मीडिया की बात होती है और हम लोग भी इस वक्त सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे बात कर रहे हैं। आज कितना बखूबी ट्विटर का, फेसबुक का, अगर झारखंड में ये सारे माध्यम कहीं और बंद करके आए हैं भारत में हमारे पास, लेकिन इसका सबसे ज्यादा उपयोग सदुपयोग वो माननीय हेमंत सोरेन जी ने करने का काम किया। आज आप देख रहे हैं, आज झारखंड के किसी भी जिले में अगर किसी को समस्या होती है, संभवतः उसके पास फोन पहुंचा हुआ है, टेलीकम्युनिकेशन का इतनी क्रांति है, एक ट्वीट करता है तुरंत उसका समाधान होता है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि सभी लोग ट्वीट कर लेंगे, जो पुरानी परंपरा है उससे तो कार्य होगा, लेकिन अब अगर ट्विटर के माध्यम से आप यहाँ बैठे हैं और आपका आपकी बात माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंच जा रही है और उनके माध्यम से उस पर कार्रवाई हो रही है, तो आप अपने आप को सफल मानेंगे कि जनता सफल मान रही है कि हमने सही मुख्यमंत्री चुना था, चुनने का काम किया। पहले तो बातें नहीं पहुंचती थी, पहले लोग तो इतने अहंकार में थे, उन तक तो बात, अपने लोगों की बात उन तक नहीं पहुंचती थी, अब तो आम जनता की बात पहुंच रही है, रिक्शे वाले की बात पहुंच रही है, उसको तक उपलब्ध हो रही है साधन। तो तनु जी, एक दिखा कि जैसे लोकप्रियता तक तो जो ग्राफ चल रहा है हेमंत जी का वो तो चढ़ ही रहा है, उन्होंने ये भी दिखाया कि वो करप्शन बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। अभी हाल में जब राशन डीलर लगातार इस संकट काल में भी राशन की कालाबाजारी कर रहे थे, तो उन्होंने मतलब सरकार ने 500 से अधिक डीलरों पर कार्रवाई की, तो यह भी दिखाता है कि सरकार भ्रष्टाचार को बर्दाश्त करने के मूड में नहीं। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा। अब हम ये राशन डीलर वाली को बात को ही अगर लेते हैं, ऐसे कई एक जगह है जहां पूर्व की सरकारों ने भ्रष्टाचार करने का काम किया, लोगों की जासूसी कराने तक का काम किया, तो वो सब चीजें तो जांच के विषय में है, क्योंकि अभी कोरोना का प्रकोप है, महामारी का प्रकोप है, तो इसमें आप सोचिए राशन डीलर जो होता है उससे गरीब तक सामग्री पहुंचती है, समाज के वो अंतिम व्यक्ति तक वहां से राशन जाता है, और उन्होंने ये भी घोषणा की जिसके पास कार्ड नहीं है उसको भी राशन मिलेगा, और आप सोचिए ये कितनी अमानवीय हरकत होगी कि आपके पास आप पीडीएस डीलर हैं, राशन के डीलर हैं, और आप इसमें भी आप गलत काम कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, तो ये माननीय मुख्यमंत्री से बर्दाश्त नहीं हुआ, किसी से भी बर्दाश्त नहीं होना चाहिए, और अगर उन पर कार्रवाई हुई है तो उनके लिए सबक है कि आप पहले तो क्या करते आ रहे थे, ये तो अब तो जांच का विषय है, लेकिन आपने इस विषम परिस्थिति में भी जो वो जो अनाज का हक उस गरीब व्यक्ति का था, जो मजदूर का वो हक था, जो यहाँ के झारखंडी एक एक व्यक्ति का हक था, उस खाने को, अनाज को आप लूट रहे थे, तो इससे क्या पता चलता है? इससे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का विजन पता चलता है कि वो किस तरीके से एक आम व्यक्ति, अंतिम गरीब व्यक्ति की समस्या से अटैच है, नहीं तो बाकी समय में तो इस पर जांच ही नहीं होती। अगर जांच हुई तभी तो ये लोग नजर में आए सरकार के। तनु जी, हेमंत सोरेन जी देश के पहले ऐसे मुख्यमंत्री रहे जिन्होंने कोरोना संकट में ट्रेनें चलाए जाने की मांग की, और वे ही ऐसे पहले व्यक्ति रहे जिन्होंने चार्टर फ्लाइट के संचालन की भी अनुमति मांगी, जो लोग फंसे हुए लद्दाख में, अंडमान निकोबार में और पूर्वोत्तर राज्यों में। तो ये बहुत बड़ी बात थी कि आमतौर पर चार्टर फ्लाइट मतलब अभिजात वर्ग का विशेषाधिकार समझा जाता है, लेकिन उन्होंने पूरी व्यवस्था को गरीब तक कैसे राहत पहुंचाए उस पर उन्होंने फोकस किया, तो ये रेडिकल चेंज है मेरे हिसाब से। नहीं, वाक्य में जैसे मैंने कहा कि वो हर वक्त एक बात हमेशा बोलते हैं कि गरीबों की बात करो, उनके उन तक क्या पहुंचा, हमसे हमारे से भी कहते हैं कि ये कोशिश करो कि जो जिसको जरूरत है उस तक सुविधा पहुंच रही कि नहीं पहुंच रही है,
तो ना सिर्फ ट्रेन चलाने की बात छात्रों के लिए, मजदूरों के लिए, आप भी ये जानते हैं कि सर्वप्रथम झारखंड में लॉकडाउन की घोषणा हुई जब देश में नहीं हुई थी, तो ये विजन दर्शाता है, ये माननीय हेमंत सोरेन जी का विजन दर्शाता है कि वो जब देश ने घोषणा तक नहीं की थी तब उसके उससे पहले झारखंड राज्य उसके लिए तैयार था। जब कुछ लोग दूसरे तरीके के क्रियाकलाप में व्यस्त थे तब माननीय हेमंत सोरेन जी ये अधिकारियों से ये मीटिंग कर रहे थे कि कैसे छात्र वहां से झारखंड आएंगे, कोटा से या दूसरे राज्यों से कैसे मजदूर आएंगे, और वो तो सफल हो गया ना। वो सफल नहीं हुआ, वो पूरे देश के सभी राज्यों के लिए एक मापदंड बना और केंद्र ने उस मापदंड को माना। और आप जानते हैं कि झारखंड में सर्वप्रथम ये कार्य हुआ और ये झारखंड एक स्तंभ बना और इसके बाद बाकी राज्यों ने इसको एडॉप्ट किया। तो आज़ाद सिपाही के इस विशेष शो में आज हमारे साथ थे डॉक्टर तनुज खत्री। उन्होंने सरकार की, हेमंत सोरेन जी की लोकप्रियता की और सरकार के कार्यों पर अपनी राय रखी। आज़ाद सिपाही देख रहे तमाम दर्शकों का धन्यवाद।